दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये छोटा सा डीसी मोटर रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है, दोस्तों ये फ्री है मगर ये चल नहीं रहा है। यहाँ से पावर देके आपको दिखाते हैं तो ये रनिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसमें यही प्रॉब्लम और ये दिक्कत है। यहाँ हम चार्जर का, मोबाइल चार्जर का वायर यहाँ से कनेक्ट करते हैं और पहले इसमें पावर चेक कर लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर डीसी मोड पर इसको यहाँ पर लगाते हैं और ये हमारा वोल्टेज शो कर रहा है और इसको यहाँ से मोटर पर कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये पीछे जो दो पिन लगी होती है यहाँ पर लगाएंगे वायर को और ये रनिंग नहीं कर रहा है। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों ये घूम ही नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी को ठीक करके आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो लॉक होता है, इन लॉकों को हटाना है। तो इसी इसको ड्राइवर से इस लॉक को यहाँ से ऊपर की तरफ हटाएंगे, इसको ऊपर करेंगे और इस साइड का भी इस तरह ऊपर कर लेंगे और ये सॉफ्ट को थोड़ा सा दबाएंगे और दबा के और हल्के हाथ से इसको आराम से निकालिएगा वरना पत्ती उसमें मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। और दोस्तों ये जो पत्ती है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये पत्ती काली हो गई है, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कार्बन आ गया है, ये दोनों पत्ती पर कार्बन आ गया दोस्तों, यही वजह है ये चल नहीं रहा है। तो इस पत्ती का जो कार्बन है हम यहाँ पर आपको साफ़ करेंगे, साफ़ करके दिखाएँगे कैसे साफ़ करना है। तो आप इस तरह से साफ़ कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस पत्ती को साफ़ करने के लिए हम यहाँ पर लकड़ी छोटी सी लगाएँगे, पतली सी, ताकि यहाँ पर एडजस्ट हो जाए और नीचे से सपोर्ट हमारा मिले। तो इस तरह से लगा के और ऊपर से पत्ती को इसको ड्राइवर से हल्का हल्का इसको रगड़ेंगे, साफ करेंगे, पत्ती में जो कार्बन हो साफ हो जाएगा। एक तरफ का हो गया, इसी तरह दूसरी साइड का भी ये लकड़ी सपोर्ट लगा के और आराम से हल्के हाथ से साफ़ करिएगा दोस्तों, पत्ती मुड़े ना, टूटे ना, बहुत बचा के। तो इस तरह साफ़ हो जाएगा दोस्तों और आपका मोटर रनिंग करने लगेगा। ये बिल्कुल साफ़ हो गया और इस पत्ती को सीधी कर लेंगे, अगर थोड़ा टेढ़ी वगैरह हो तो इसको बराबर कर लीजिएगा और बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल ओके। और इस पर भी कार्बन थोड़ा सा है तो इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो आप इसको पेपर से हल्का हल्का इसको हल्के हाथ से इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से इसको साफ़ कर लीजिएगा, इस तरह से ये हो गया। और इस ब्रश में थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा आयल डाल देंगे ताकि ये अच्छी से रनिंग करे, पकड़ ना हो। और इस पत्ती को देख के बिठाइएगा, ये जो घाट है इसको लगा के और पत्ती को सीधे लगा के बैठाइएगा वरना पत्ती मुड़ जाएगी तो चलेगा नहीं दोस्तों। तो इस घाट में बैठा देंगे बराबर इस तरह से और ये दोनों लॉक को हम यहाँ पर ऐसे बैठा लेंगे इस तरह से, ताकि पीछे का ढक्कन निकले ना रनिंग करने पर। और ऊपर भी थोड़ा सा आयल लगा देंगे ब्रश पर, ये हो गया दोस्तों बिल्कुल ओके। और दोस्तों इसको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों मोबाइल के चार्जर से इसको लगाते हैं और यहाँ पर टेप लगा देंगे ताकि स्पीड हमारी मालूम हो। तो यहाँ पर वायर कनेक्ट करते हैं दोस्तों और एक खुंटी पर लगाएंगे, दूसरी खुंटी पर लगाएंगे, देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल मस्त रनिंग कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल स्पीड से रनिंग कर रहा है दोस्तों और काफ़ी स्पीड है दोस्तों, देख रहे हैं इसका टेप निकल गया दोस्तों। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छी स्पीड है दोस्तों। तो इस तरह से अपने ख़राब डीसी मोटर को दोस्तों फेंके मत, घर पे आराम से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को खूब खूब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।